हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान मेनी 13। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो सो हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियो जल्द से जल्द मिल पाए। सो टुडे आई एम गोना रिवील माय सीक्रेट ऑफ हेयर कलर। सो यस, मैंने आज तक अपने बालों को आर्टिफिशियली डाई नहीं किया है। मैं अभी तक कभी पार्लर नहीं गई हूँ हेयर कलर के लिए। मैं बस यही हेयर है ना यूज़ करती हूँ और ये रेमेडी यूज़ करती हूँ जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इन दिस हेयर है ना पैक यू विल गेट हैंड ग्लव्स एंड हेयर प्रोटेक्टिंग कैप। एंड लेट सी इन्हें सबको यूज़ कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्टील का बाउल लेना है एंड उसमें छोटी कटोरी टी पाउडर हमें ऐड करनी है। आप देख सकते हो कटोरी का मेज़र मैंने बहुत ही छोटा रखा है। एंड देन आफ्टर वी हैव टू ऐड अ कड़ी पत्ता, जिसे आप 5 to 10 लीव्स भी ऐड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आई एम एडिंग अ राइस, जो नॉर्मल राइस होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। सो आपको एक छोटी कटोरी यूज़ करना है ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स के लिए। एंड देन आफ्टर आई एम एडिंग 1 पैकेट ऑफ नेस्कैफे कॉफ़ी। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो बट एक पैकेट ही यूज़ करना है। एंड आफ्टर दैट आई एम एडिंग 1 फुल अनियन। आपको एक पूरा अनियन लेके उसे चॉप करके और इसमें ऐड कर देना है। एंड देन सारे ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सो हेयर अ लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंड येस, ये 2 इंग्रेडिएंट्स बचे हुए हैं। एंड ये क्या है ये तो आपको वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, डोंट स्किप द वीडियो एट ऑल, ताकि आप भी घर बैठे ये होम रेमेडी फॉलो कर सके। सो आफ्टर मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स वी हैव टू ऐड अ 2 to 3 ग्लास वाटर। एक्चुअली हमें इसे बॉईल करना होता है एंड जो हमारा 100 ग्राम का हेयर हिना है ना, हमें उसी में भिगोना होता है। तो आप उस हिसाब से ही पानी लीजिए ताकि ये बॉईल होके उतना पानी बच जाए ताकि आप अपनी मेहंदी उसमें आसानी से भिगो सके। तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे हाई फ्लेम पर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट तक इसे बॉईल करना है, इसका कलर चेंज होने तक। एंड यू कैन सी हेयर ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। मैंने इसे 10 मिनट तक ही बॉईल किया था। एंड आफ्टर दैट आपने उसे ठंडा होने देना है, वो पूरी तरह से। जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक आपने उसे छानना नहीं है चन्नी से। सो आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से पक गए हैं उसमें, और पानी का कलर भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क और ब्राउनिश नज़र आ रहा है। तो बस अब सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स और पानी है उसको हमें छान लेना है अच्छी तरह से। सो आप देख सकते हो मैंने सारा ही पानी छान लिया है। और जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आप उसे एज अ बायो फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो अपने प्लांट्स में। तो आपके घर में छोटे छोटे पौधे अगर होंगे तो आप ये उसमें डाल सकते हो ताकि वो वेस्ट भी ना हो और आपके प्लांट्स के लिए काम भी आ जाए। सो ये आप पानी देख सकते हो हाफ ग्लास निकला है। आई थिंक इतना तो काफ़ी होगा मेरी मेहंदी के लिए। सो ये हेयर हिना पैक है, इसके साथ आपको एक पेयर ग्लव्स का मिलता है एंड देन हेयर प्रोटेक्टिंग कैप आपको मिलती है। एंड इसे यूज़ कैसे करना है ये तो आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल ही जाएगा। सो हम अपने हेयर हिना पैकेट को ओपन करते हैं। एंड यू नो व्हाट, पैकेट ओपन होने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। सो यू कैन सी हेयर द स्टेन ऑफ मेहंदी, ये कितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक लग रही है। लाइक इसमें कोई भी आर्टिफिशियल डाई मिक्स नहीं होता है, ये 100% हलाल है, फ्रेंडली फॉर वजू है एंड केमिकल फ्री है। तो आप इसे बेझिझक अपने हेयर पर यूज़ कर सकते हो। एंड जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये ऑर्गेनिक है, तो ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करती है एंड बहुत ही अच्छे से स्मूथ करती है। एंड यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ मेहंदी, कितना ज़्यादा माशाल्लाह ऑर्गेनिक लग रही है। सो एट द स्टार्टिंग मैंने बोला था ना कि 2 इंग्रेडिएंट्स बचे हुए हैं, तो वो था हमारा 1 कटोरी दही, वो भी हमें हमारे पाउडर में ऐड करना है। एंड द सेकेंड वन इज़ अ फ्लैक्सीड जेल, ये हम आई थिंक उसे अलसी के बीए कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं आपकी तरफ मुझे ज़रूर बताना। तो हमें इन दोनों को ही ऐड करके पाउडर में मिक्स करना होता है। आप 3 से 4 चम्मच फ्लैक्सीड जेल के ले सकते हो। ये जितना आप यूज़ करोगे ना उतने आपके हेयर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और स्ट्रांग होते हैं।
एंड देन आफ्टर हमने जो पानी को बॉईल किया था वही पानी ऐड करना है मेहंदी पाउडर में। कोई भी नॉर्मल पानी हमें मेहंदी में नहीं डालना है, बस पूरी ही मेहंदी को हमें इस बॉयल वाटर से और जो फ्लैक्सीड जेल है उससे ही बनाना है। एंड आप सोच रहे होंगे, मुस्कान इतनी बार फ्लैक्सीड जेल बोल रही है तो ये है क्या? अगर आपको इसकी रेमेडी चाहिए, इसको बनाने का तरीका चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी डू नो इन कमेंट सेक्शन। फिर मैं इसकी एक और वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी कि ये जेल एक्चुअली बनाते कैसे है एट होम। सो यू कैन सी मैंने सारे ही पानी को उसमें ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे आपको एटलीस्ट 10-15 मिनट उसे ढक कर रखना है एयर टाइट कंटेनर में, ताकि वो अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए चीज़ें। एंड आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, हेयर हिना की कंसिस्टेंसी ऐसी होना चाहिए कि अगर आप उसमें चम्मच को फ्रीली मूव कर पा रहे हो ना, तो वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेस्ट होती है हेयर हिना के लिए। मतलब वो ना ज़्यादा पतली होती है ना ज़्यादा थिक होती है, हेयर हिना के लिए बहुत सूटेबल होती है। एंड आप कलर चेंजिंग देख सकते हो मेहंदी की, कितनी ज़्यादा ब्राउन और कितनी ज़्यादा स्मूथ लग रही है माशाल्लाह। एंड यस, आप पूरी ही वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की है जिससे हमारे बालों को कोई नुकसान हो या हमारे स्कैल्प को कोई नुकसान हो। ये पूरा ही ऑर्गेनिक है और होममेड रेमेडी, एक्चुअली ये मेरी मम्मी की रेमेडी है, वो यूज़ करती है हमारे बालों पर। सो येस, हेयर हिना पैक में आपको मिलते हैं 1 पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स एंड 1 प्रोटेक्टिव हेयर कैप। तो आपने जब मेहंदी लगा रहे हो ना, आप चाहे तो खुद को लगाओ या किसी और को, बट मेहंदी लगाने से पहले ये ग्लव्स ज़रूर वेयर कीजिए ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो, बिकॉज ये इतनी जल्दी माशाल्लाह स्टेन दे देती है ना कि फट से हाथों पे कलर आ जाता है। तो बेहतर है आप हैंड ग्लव्स यूज़ कीजिए ताकि आपके हाथ भी ख़राब ना हो और मेहंदी आप बहुत ही अच्छी से आपके बालों पर लगा पाए। सो आप देख सकते हो मम्मी मेरे बालों पर मेहंदी लगा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद अपने बालों में मेहंदी लगाई है। आई थिंक 3-4 मंथ हो गए थे मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। बट प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप मतलब महीने में 1-2 बार तो लगाना ही चाहिए हेयर हिना, उससे जो बालों की ग्रोथ है वो भी बढ़ती है, बाल नरिश भी रहते हैं, स्मूथ भी रहते हैं और बालों में वो कहते हैं ना जान आ जाती है, वैसा होता है। सो मम्मी तो बहुत रिकमेंड करती है मुझे कि बालों में मेहंदी लगा, बट क्या करें, टाइम की वजह से मैं नहीं लगा पाती हूँ। बट प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए, आप अपने बालों की अच्छे से केयर कीजिए। एंड येस, अगर आप मेहंदी लगा रहे हो बालों में तो बहुत ही अच्छे से लगाइए, स्कैल्प में भी अच्छे से मेहंदी लगाइए। बिकॉज क्या होता है ना, हमारे स्कैल्प में जब मेहंदी जाती है तो आपको भी पता होगा जो मेहंदी लगाते होगे सर में कि कितना ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, तो वो स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे बालों के लिए भी। सो आप देख सकते हो मम्मा ने सारी ही मेहंदी मुझे लगा दी है, इतनी सारी और पता है मतलब जिसके लंबे बाल होते हैं ना वो अच्छे से रिलेट कर पाए कि मेहंदी लगाने के बाद सर कितना भारी हो जाता है। एंड येस, हेयर हिना के साथ जो हेयर प्रोटेक्टिंग कैप मिलती है ना, बस उसको आपको अनफोल्ड करके आपके सर पर लगा लेना है, ऑल ओवर अच्छे से अपना हेड कवर कर लेना है ताकि ये ज़्यादा सूखे ना और बाल डैमेज ना हो, और एटलीस्ट 2 आवर्स आपको रखना है। एंड यू कैन से द रिजल्ट माशाल्लाह, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। आप कलर देख सकते हो, और ये कुछ ना ही मैंने स्ट्रेट किए थे बाल, ना ही कोई इफेक्ट है और ना ही कोई फिल्टर है, ये ओरिजिनल कलर है माशाल्लाह, बालों पर बहुत अच्छा आया है। So if you want to order this hair henna pack, so please do contact us on a given detail. So ये hair henna pack remedy आपको useful लगी या नहीं, please do let me know in comment section. And ऐसे ही remedies अगर आप और देखना चाहते हो, so please don't forget to subscribe our YouTube channel. Don't forget to follow us on Instagram. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।